सक्सेना सर, कई अलग अलग स्रोतों से ये भी खबर है कि क्या ना थोड़ी कंफ्यूजन है कि दिल्ली 8 से 10 तो बंद रहेगी। हमें ये पता है कि स्कूल और कार्यालय को बंद करने का तो आपने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, लेकिन बहुत लोग दिल्ली में रहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं क्या एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स हैं या हॉस्पिटल में एक्सेस हो या घर पे डिलीवरी हो खाना का, कई लोग अलग अकेले रहते हैं 3-3 दिन के लिए, क्या ये सेवाएँ भी स्थगित की जाएंगी, क्या होगा कि इस बारे में थोड़ा समझाएँ हमें। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली का एक बहुत छोटा सा एरिया जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज ओपन, वहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 3 दिन की छुट्टी जरूर दी गई है क्योंकि ऑफिसेज में इस तरीके से नहीं दिया जा सकता कि एनजीएमसी एरिया को हम छुट्टी दें और दूसरे इलाकों में नहीं दें। छुट्टी इसलिए दी गई है कि लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हाँ, इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और यहाँ पर ही जो है आने जाने में लोगों को तकलीफ ना हो, इसकी वजह से छुट्टी को डिक्लेयर कर दिया। तो दिल्ली के बाकी इलाकों में और दिल्ली में आने और जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैंने आज जैसा पहले भी कहा कि बहुत छोटे से इलाके को जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है उसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, पब्लिक का भी ध्यान रखा गया कि जब इतने राष्ट्राध्यक्ष एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रैफिक को रोका जाएगा, पब्लिक को तकलीफें होंगी, तो वो तकलीफ पब्लिक को ना हो इसकी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देश के अंदर इतना बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है जो देश की छवि को कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाला है, तो उसे हमारी दिल्ली की जनता को अगर हम 3 दिन उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करके उन पर कोई बंधन कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक उत्सव का समय है, ये उनके लिए भी एक गर्व का समय है और पूरे गर्व के साथ इसको जो है शामिल होकर इसे सफल बनाना चाहिए।